तो जो चीज हमने आपको एक हफ्ता पहले बता दी थी कि अब इंडियन आइडल 13 में आपको ट्रायंगल दिखने वाला है, जी हाँ, एक हफ्ता पहले हमने आपको बता दिया था कि अब जो स्टोरी आने वाली है इंडियन आइडल 13 में वो ट्रायंगल बनाया जाएगा चिराग, रूपम और काव्या के बीच, पर वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज कुछ ऐसा ही सीन आपको देखने को मिला। दरअसल आज आदि है वो नहीं आ पाए शो में, ऐसे में हर्ष आए थे और ऐसे में उन्होंने एंकरिंग की है, तो जब एंकरिंग कर रहे थे वो बोलते कि हमारे आदि तो नहीं आ पाए लेकिन हमारे जो 1500 थे उनकी दवाई लेने के लिए वो हमने चिराग को दिए थे। तो जब चिराग से पूछा जाता है तो भाई वो बोलते हैं भी रूपम की चप्पल टूटी है तो ऐसे में मैंने उनको सैंडल्स लेके दिए हैं। तो मतलब ये चीज़ देखकर ना आपको थोड़ी सी हैरानी होगी कि देखिए कितनी घटिया स्टोरी बनाकर ये चीज़ें दिखाई जा रही है और ये सोचते हैं लोगों को पता नहीं लगता भाई इतनी घटिया स्टोरी बनाई गई सिद्धार्थ डे, तो ऐसे में देखिए ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली है। और भाई अब रूपम के साथ उन्होंने ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि चिराग है वो रूपम के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, और ऐसे में काव्या के साथ तो चल रहा था पहले से स्क्रिप्टेड चल रहा था चिराग का, अब इन तीनों में ये चीज़ें चलने वाली है क्योंकि देखिए ये पहले ट्राई कर चुके हैं पवनदीप अरुणिता का, तो ऐसे में अभी इन्होंने काव्या और चिराग का जब ट्राई किया तो इनको पता लगा कि लोग इतना पसंद नहीं कर रहे तो इसलिए अब ये रूपम को लेके आ चुके हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप चिराग और काव्या की जोड़ी को पसंद करते हैं या फिर चिराग और रूपम की जोड़ी को, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी चिराग गाते तो मस्त है, बहुत ही अच्छा गाते हैं, प्यारा गाते हैं, तो उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन शो की TRP लाने के लिए क्योंकि 9 नंबर 8 नंबर पर ये शो रह रहा है पिछले 2 हफ्ते से, तो उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए ये तरह तरह की भाई तरकीबें लगा रहे हैं। फिलहाल कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि आखिर शो से एलिमिनेट कौन होने वाला है क्योंकि कल एलिमिनेशन होगा, तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि बॉटम 3 में कौन है, तो बॉटम 3 के आपको जल्दी से नाम बता देते हैं, तो रूपम, नवदीप और प्रीतम है बॉटम 3 में, जी हाँ इनको सबसे कम वोट मिले हैं, मतलब जनता इनको प्यार नहीं दे रही है और शायद मुझे लग रहा है इस बार प्रीतम है वो आउट हो सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कौन आउट होना चाहिए कौन नहीं और कौन आपका फेवरेट है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। मिलते हैं कुछ ही देर में।